बेटी शहर नहीं आई होंगी। दर्द दर्द हो और इनकी जांच की जाए और दूसरे कहीं दर्द नहीं है पत्रों दर्ज करके आगे कार्रवाई हो जो भी मेरिट पर। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों में आपसी अंतर्कलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये मैं नहीं कह रहा, हाल ही घटनाक्रम के वाकये कह रहे हैं। किरोड़ीलाल मीना बीजेपी में नाराज चल रहे हैं, वहीं अब दिव्या मदेना के एक इंटरव्यू ने कांग्रेस की आंतरिक कलह को भी सामने ला दिया है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान की राजनीति में पिछले कांग्रेस के अशोक गहलोत के कार्यकाल के साथ शुरू हुआ अंतर्द्वंद का सिलसिला पार्टी में आंतरिक मनमुटाव अब थम नहीं रहा है। यूं तो राजस्थान की राजनीति में यह नया नहीं है, लेकिन कभी पार्टीगत राजनीति में खुलकर सामने नहीं आया। हालांकि अशोक गहलोत पर आरोप लगते रहे कि उन्होंने चुनाव में किसी और की मेहनत का फायदा उठाकर मुख्यमंत्री का पद लिया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसमें स्पष्ट तौर पर बगावत नहीं आई। केवल सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई देखने को मिली, लेकिन अब ये आगे बढ़ती जा रही है। सचिन पायलट अशोक गहलोत से भी आगे, यानी बड़े लेवल पे बात करें तो अब अलग अलग गुट बनने लगे हैं, चाहे वो अशोक गहलोत गुट हो, सचिन पायलट गुट जो लगातार सक्रिय भी रहता है सोशल मीडिया पर। हालांकि कहा जाता है कि गुजर और कुछ मीनाओं का एक दल ही सचिन पायलट की आर्मी बना हुआ है और खासतौर पर कुछ युवा जाट इलाकों में उनकी पहुंच। इसके अलावा कोई बड़ी पहल फिलहाल पूरे राजस्थान के तौर पर नहीं है, लेकिन ये विरोधी ही कहते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा बतौर प्रदेशाध्यक्ष अपना अलग वर्चस्व स्थापित करने की कवायद में है। हाल ही के कई दौरों में उनके स्वागत अभिनंदन की जो कला दिखी है वो भी कांग्रेस में चर्चा में है। इसके अलावा हरीश चौधरी का भी एक अपना नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है। हालांकि वो इन बड़े नेताओं से तालमेल साधे हुए हैं, लेकिन अलग से वर्चस्व अपना भी स्थापित करना चाहते हैं। टीकाराम जूली उस छत्र छाया में है जहां भंवर जितेंद्र सिंह आते हैं। ऐसे में वो अलग गुट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह के नाम पर अलग सियासत वहां भी चलती रही है। अब इसमें एक और कदम आगे बढ़ गई है कांग्रेस की राजनीति। दिव्या मदेना यूं तो चर्चित रही है, पिछले कार्यकाल में भी जब वो विधायक बनी और हनुमान बेनीवाल से अदावत हो या कांग्रेस में उस समय की फूट और एक लाइन का प्रस्ताव पास करने का दबाव, तब अलग रुख अपनाया, अशोक गहलोत का साथ उस वक्त दिया जब वो संकट में थे। लेकिन अब उन्होंने बताया है कि ये साथ अशोक गहलोत का नहीं था, कांग्रेस पार्टी का था, विचारधारा का था। ये विचारधारा की लड़ाई को लेकर एक दिए साक्षात्कार में भंवरी देवी से जुड़े सवाल जवाब उन पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी पार्टी के सदस्यों ने उन पर अब इस पूरे मसले पर बेबाक बयानबाजी पर रोक लगाने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा को कह दिया है। हालांकि अंदरूनी राजनीति है, जिस नेता ने कहा वो भी कई नेताओं के सहारे आगे बढ़े हैं, अपना कोई वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाए हैं। यहां बात मैं संदीप चौधरी की कर रहा हूं, लेकिन दूसरों के लिए कंधा बने हुए हैं। वो बयान कहां से आया, किसने दिलवाया, ये भी राजनीतिक चर्चाओं में है। लेकिन इतना है कि दिव्या मदेना की सियासी पारी उनको रास नहीं आ रही है, जिन्हें पहले भी परिवारवाद के तौर पर घेरा जा चुका है। इस बयान के साथ ही कांग्रेस की वो आंतरिक कलह धीरे धीरे दूसरी तीसरी लाइन के नेताओं में भर रही है, जो पार्टी के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि विस्फोट संभाले नहीं संभलेगा। बात अब बीजेपी की कर लेते हैं। बीजेपी के मंत्री किरोड़ीलाल मीना, मैं यह मंत्री इसलिए कह रहा हूं या यूं कहूं कि इस्तीफा दे चुके मंत्री, लेकिन मंत्री पद पर रहते हुए उनका यह इस्तीफा राजस्थान के लिए भारी पड़ रहा है। वो स्वीकारा नहीं गया है, तब तक उन्हें काम करना चाहिए था उनकी शपथ के लिहाज से, और इस वक्त जब भारी बारिश है, आपदा का दौर है, आपदा मंत्री गायब है। लेकिन वो गायब केवल अपनी जिम्मेदारियों से है, सरकार पर लगातार वार करने में अपनी ही बीजेपी सरकार पर पीछे नहीं है। अब उन्होंने नया मामला उठा दिया है, DIT को लेकर उन्होंने कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मुद्दों को चुनावी सभाओं में कह चुके हैं उस पर बीजेपी की ये सरकार
एक साल बाद भी काम क्यों नहीं कर रही है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के घर पहुंचकर उन्होंने पत्र सौंप दिया जहां DOIT में भ्रष्टाचार का पूरा मामला सामने आ रहा है। उन्होंने कह दिया कि इस पूरे मामले में 10-10 FIR होनी चाहिए अलग अलग मुद्दों को लेकर। साथ ही दबाव बनाने की कोशिश भी की गई है कि इस मसले को लेकर वो सड़कों पर थे तब तो मान लिया कांग्रेस सरकार थी, अब तो उनकी अपनी BJP की सरकार है, क्यों निर्णय नहीं ले रहे। सियासी हलकों में इसके भी अलग मायने हैं। इसे ब्यूरोक्रेसी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। DOIT का पद बेहद महत्वपूर्ण है और उस पद पर वित्त के लिहाज से वर्तमान में वरिष्ठ IAS अखिल अरोड़ा की मौजूदगी और उस पूरे डिपार्टमेंट में पिछले एक दशक से उनकी पूरी की पूरी भागीदारी ये चर्चा में रही है। अभी भी ब्यूरोक्रेसी की बड़ी लिस्ट आई लेकिन अखिल अरोड़ा का कुछ नहीं हुआ। तो क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना दबाव बनाकर उन्हें अब पद से हटवाना चाहते हैं? ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि भजनलाल सरकार को घेरने की कोशिश उनके ही अपने कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीना सरकार की वर्तमान स्थिति पर लगातार कोई ना कोई टिप्पणी कर देते हैं या वो कदम उठा लेते हैं जो बतौर विपक्ष को उठाना चाहिए। ऐसे में विपक्ष को भी सहूलियत है कि वो अपनी आंतरिक लड़ाई में उलझे। सरकार को उलझाने का काम उनके ही मंत्री, उनके ही विधायक, उनके ही सदस्य और उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता कर लेंगे। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में राजस्थान BJP की आंतरिक राजनीति केवल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना पर नहीं टिक जाती है। अब 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। इन 7 सीटों में एक और सदस्य की आकस्मिक और कह सकते हैं अकाल देहावसान ने राजस्थान की राजनीति में एक और नेता को कम किया है। ये कांग्रेस के लिए भी दुखद है, उतना ही उस पूरे समुदाय के लिए जहां सांप्रदायिक भावना से वो काम करते रहे हैं, मेल मिलाप के लिए जाने जाते रहे हैं। जुबेर खान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद एक और सीट उस खाते में बढ़ गई है जहां पर उपचुनाव की संभावनाएं बढ़ती हैं। ऐसे में अब चिंता की लकीरें आंतरिक तौर पर जो द्वंद पार्टी में है उस लिहाज से BJP के सत्ता और संगठन के नेताओं की पेशानी पर भी दिखने लगी हैं। किरोड़ीलाल मीना के अलावा जो गुट BJP में फिलहाल बने हुए वो किसी से छुपे नहीं हुए। इन्हें गुट कहे या संभावित अपने समय के आने की तलाश, वो तमाम चीजें हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी कह चुके हैं कि सरकार 5 व्यक्तियों के अलग अलग निर्णयों के आधार पर चल रही है। तब संभवतः 5 गुट तो सीधे सीधे तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन BJP में संगठन में नए समीकरणों के साथ अलग गुट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश यही है कि सत्ता और संगठन के समीकरणों में आपसी तालमेल बने, लेकिन ये बनने की बजाय उलझता जा रहा है। इसी वजह से ना केवल पदाधिकारियों की लिस्ट आने में देरी है, साथ ही बोर्डों के सदस्यों पदाधिकारियों की नियुक्ति में भी अब देरी हो रही है। मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाओं को भी बल मिलता है लेकिन दम तोड़ देता है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी की लिस्ट आने की देरी तो आप देख चुके हैं। ये तमाम चीजें हैं जो BJP के सत्ता और संगठन के आपसी समन्वय में कमी के चलते नहीं हो पा रही है। ऐसे में राजस्थान की राजनीति उलझी हुई है, पक्ष और विपक्ष की, जिसका खामियाजा राजस्थान की जनता को कई मुद्दों पर, कई जगहों पर उठाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा तो इस बारिश में सड़कों पर बने गड्ढे उन्हें दर्द दे रहे हैं, ना केवल पीठ का, साथ ही आर्थिक तौर पर हानि का भी। खैर, सरकारें हैं, इसी माध्यम से चलती है, ऐसे ही चलती है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता क्या सोच रही है, क्योंकि चुनाव 5 वर्ष के लिए हुआ है। राजस्थान चौक के आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।